कॉमन सेंस कभी कॉमन नहीं रहता। और अगर आप लॉजिक लगाने की बात करें तो इन दिनों में जब ये कोरोना COVID-19 चल रहा है तो लॉजिक की तो धज्जियाँ उड़ गई साहब। ये कॉमन सेंस और लॉजिक की बात क्यों कर रहा हूँ मैं आज और हिंदी में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बीते हुए दिनों में कुछ वीडियोस देखे थे और मोस्टली ये सब डॉक्टर्स के थे। एक वीडियो एंटीजन टेस्ट निगेटिव असते, RT-PCR चे टेस्ट निगेटिव असते, परंतु सिटी स्कॅन मध्ये मात्र स्कोर जो असतो तो 16-17 दिसतो। याचा अर्थ इन्फेक्शन जे आहे तुमच्या तोंडामध्ये घशामध्ये नसून तुमच्या डायरेक्ट छातीत गेलेला आहे। मग कोऱ्हाड, जर कोऱ्हाड 1 असेल तर समजावं की त्याला कोणताही इन्फेक्शन नाहीये, तो पेशंट नॉर्मल आहे। कोऱ्हाड 2 जर असेल तर त्याला इन्फेक्शन आहे परंतु ते COVID-19 आहे असं नाही। कोऱ्हाड 3 जर असेल तर त्याला थोड्या प्रमाणात लक्षणं आहेत जी COVID-19 सारखे असू शकतात। कोऱ्हाड 4 जर असेल तर त्याला अबनॉर्मलिटीज आहे COVID-19 सारख्या दिसत आहेत। आणि कोऱ्हाड 5 जर असेल तर कन्फर्म केस ऑफ COVID-19। म्हणजे जर तुमची टेस्ट निगेटिव्ह असेल, RT-PCR अँटीजेन दोघी निगेटिव्ह असतील आणि कोऱ्हाड 5 असं जर तुमच्या रिपोर्टमध्ये लिहून आलेलं असेल तर क्लिनिकली त्या पेशंटला कोरोना झालेला आहे हे सिद्ध होतं। तर याचा स्कोर म्हणजे काय, 8 ज्यांचा खाली आहे तो माइल्ड इन्फेक्शन आहे म्हणजे कमी प्रमाणातला आहे। 9-15 मध्ये आहे त्यांना मध्यम स्वरूपाची लक्षणं आहेत, त्यांना ऍडमिट व्हायला पाहिजे। आणि 15 वरती ज्यांचा स्कोर आहे ते गंभीर स्वरूपाचे आहे म्हणजे त्यांना प्रॉपर एखाद्या कोविड केअर डेडिकेटेड कोविड केअर सेंटर म्हणजे हॉस्पिटल जिथं आहे तिथं ऍडमिट होणे गरजेचं आहे। एक महिला डॉक्टर बड़े विस्तार से बता रही थी कि कोरोना को किस तरह से काउंटर कर सकते हैं। ये रहा पहला वीडियो। दूसरा वीडियो देखा और वो था एक ऐसी डॉक्टर का जो नमस्कार, पेशे से एक डॉक्टर हूँ। नाम लेना जरूरी नहीं है क्योंकि ये सवाल मैं देश के हर एक डॉक्टर की तरफ से पूछना चाहती हूँ। आज सुबह से काफी सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे लोगों के ऐसे ट्वीट्स मीम्स रिक्वेस्ट रही हैं कि कोविड पेशेंट के पास CCTV कैमरा होना चाहिए जिसकी फुटेज उनके रिलेटिव्स को परसिस्टेंटली दिखाई जानी चाहिए ताकि उनको इस बात का संतोष रहे कि उनके पेशेंट को ठीक से देखा जा रहा है, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की जा रही है। तो मेरा बस एक ही सवाल है कि हेल्थ केयर आज के आज तो डेवलप हुआ नहीं है, इससे पहले भी आप एडमिट होते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स की सर्जरीज की जाती है, तो ऑपरेशन थिएटर की CCTV फुटेज आज तक किसी ने डिमांड नहीं की है। तो सडनली जब सबको पता है कि हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स्ड है, नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल से, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, वेंटिलेटर्स की कमी है, पेशेंट्स कोलैप्स होते हैं आंखों के सामने, मरते हुए पेशेंट को बचाने के लिए रास्ता नहीं होता है डॉक्टर्स के पास, जब हम लोग खुद इतने हेल्पलेस फील कर रहे हैं, उसी वक्त सबको डाउट दिखाने का मौका मिल गया है। वो कोविड के लिए काम कर रही थी और कई पेशेंट से जूझ रही थी और तभी उसने ये बहुत क्लैरिटी के साथ बताया कि बहुत सारे पेशेंट्स उन्हें संदिग्ध यानी संदेह की नज़र से देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि डॉक्टर शायद इसमें कुछ धांधली कर रहे हैं, इस वजह से CCTV लगाया जाए। और इसके अगेंस्ट में उन्होंने अपना वीडियो रिकॉर्ड किया और वो सब तक ये बताना चाहती कि इससे पहले तो आपने कभी हम पर अविश्वास नहीं किया था, अब क्यों। कुछ ऐसा ही वीडियो मैंने देखा था, एक डॉक्टर जिसके मुंह पर मास्क था और उसके दो फेलो डॉक्टर्स उसके कुलीग वहां बैठे। पिछले 40-45 साल में डॉक्टरों को बिलख बिलख कर रोते हुए नहीं देखा है। आप किसी भी डॉक्टर से बात कीजिए, वो कहते हैं हमको मेडिकल प्रोफेशन से चिढ़ हो गई है, वो सोचेंगे कि इस दुनिया को और बेहतर होना चाहिए, वो सोचेंगे कि हमको हमारी आने वाली नस्लों के लिए मंदिर और मस्जिद के झगड़ों से ऊपर उठना चाहिए। ला तो रहे हैं वो कोविड के पेशेंट को, लेकिन लाश बदले में लेके जा रहे हैं। ऐसी हालत में जब एक साल से ज्यादा हो गया तो वो डॉक्टर कहते हैं कि कहीं ना कहीं मानसिक त्रासदी उन डॉक्टरों को भी होगी, उन पैरामेडिक स्टाफ को भी होगी, उस एम्बुलेंस ड्राइवर को भी होगी, उस हेल्थ वर्कर को भी होगी, उस फ्यूनरल में PPE किट ले जाकर जो सपोर्टिंग स्टाफ के रूप में खड़े हैं, तैनात हैं, उन्हें भी होंगी। डिजास्टर मैनेजमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें भी होगी, क्योंकि 24/7 ये वहाँ मुस्तैदी से अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं और जूझ रहे हैं हर एक वो अनसर्टनिटी या फिर सरप्राइज के साथ में जो कोविड-19 की सिचुएशन उन्हें दिखा रही है।
एक वीडियो ऐसा भी था जब डॉक्टर सीटी स्कैन को लंग्स को बता रहा था कि सीटी स्कैन के बाद में जो लंग्स के पिक्चर आते हैं वो लंग्स के पिक्चर कैसे होते हैं। आप सब कह रहे हैं कि कोविड है या नहीं है, लेकिन कोविड नज़र आता है अफेक्टेड ऑर्गन यानी लंग्स में। ये कोरोना हो गया, ये कोरोना देख रहे ना लंग्स के अंदर, जो लोग कहते हैं ना कोरोना नहीं होता है, सर ये होता है कोरोना। ये 3D सीटी देख रहे हैं आप, ठीक है, ये कोरोना है जो आप देख रहे हैं, ये जाले जैसा, ये ठीक है ना, ये कोरोना है, ठीक है, समझ में आ गया कोरोना। ये वो कोरोना है जिसने वैक्सीन लिया था उसको कोरोना जो लगा है उसका है ये। वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना लग गया, ओहो हो, अच्छा तो जिन्होंने नहीं लिया, ये रहा जिन्होंने नहीं लिया उनका, हो गई बल्ले बल्ले, इसमें पेशेंट मर जाता है। तो ये दोनों आपके सामने लंग्स रखे हुए हैं, दोनों फेफड़े रखे हुए हैं आपके सामने, ठीक है, वैक्सीन लगने के बाद कोरोना होने वाला फेफड़ा और बिना वैक्सीन के कोरोना होने वाला फेफड़ा, दोनों हैं, आपने डिसाइड करना आप किस तरफ जाना चाहते हो भाई। एक और डॉक्टर है, उनका वीडियो देखकर मेरी हिम्मत बनी कि मैं हिंदी में एक ऐसा वीडियो आप तक पहुंचाऊं जो आपकी सरलता, सहजता और समझ बढ़ाए और आपका डर कम करे। डॉक्टर मनोज कुरियाकोस, जिन्होंने 1300 पेशेंट देखे हैं एक महीने में, जो भी मैं कह रहा हूँ इन सब के अंश मैं आपको दिखा रहा हूँ बारी बारी से, ताकि आपका विश्वास बढ़े, आपकी जागरूकता बढ़े, आपका डर कम हो। तो जब ये 1300 पेशेंट देख रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि इसे 94% ऐसे पेशेंट है जिनको उन्होंने फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट देकर ही ठीक किया है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है, यदि आपको कहीं भी सिम्टम्स में मालूम पड़ता है, अगर आपको खांसी है, आपको सर्दी है, आपको दर्द है, बुखार है, ये सब जितने भी मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं, सिम्टम्स हो रहे हैं जो क्लिनिकली दिखाई देते हैं डॉक्टर को, यदि वो दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा काम कर रहा है, आपको और किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यदि आपको बुखार है तो शायद आपको 650 mg ऑफ पैरासिटामोल लेना होगा और उसे लेकर बुखार को कम करना होगा, क्योंकि वायरल में और कोई मेडिकेशन नहीं होता। यदि आपको इससे ज़्यादा है तो जैसे सांस लेने में तकलीफ जा रही है या आपके गंध का प्रॉब्लम है, आपको ठीक से गंध नहीं आ रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा है और सांस लेने में वाकई तकलीफ़ है और आपके ऑक्सीमीटर बताता है कि पल्स कुछ अफेयर बदल नज़र आ रहा है, तो आपको पहली बात तो ये जानकारी लेनी होगी कि वो कितना होना चाहिए और उससे कितना कम आया तो वो सिचुएशन डेंजरस सिचुएशन में जाएगी। तो जितनी भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है ये इनसे चॉइस दी है कि 94% को आप आराम से ट्रीट कर सकते हैं और 6% वो है जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, मात्र 6%। तो ये या तो चॉइस है या ऑप्शन है, ये हमारी और आपकी चॉइस है और कैसे है मैं आपको और सरलता से बताना चाहूँगा। मान लीजिए एक केस ऐसा है कि आपको बगैर टेस्ट के पूरे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या सिम्टम्स मालूम है। मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि आप कोविड के विषय में अच्छा कुछ जानते हैं, भली भांति से आप जानते हैं कि कोविड पिछले एक साल से है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उस विषय में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि यदि आपने टेस्ट के लिए नहीं गए और आपको स्वयं लगने लगा है कि कुछ तो भी बॉडी में हो रहा है, जो चेंजेस आप पहचानते हैं आपके बॉडी में वो सिर्फ आप जानते हैं, आपको और कोई नहीं बताएगा। मान लीजिए आपने चूज़ किया कि आप टेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो अपने आप को आइसोलेट कीजिए, बुखार आया तो पैरासिटामॉल लीजिए, 650 mg ही लीजिए और अपने आप को अलग रखकर बस ये सेल्फ डिसिप्लिन क्वारंटीन जो लेंगे आप, इससे आप आराम से ठीक हो जाएंगे। याद रखिएगा कि सिम्टम्स आप रीड कर रहे हैं और आप ऑक्सीमीटर देख रहे हैं और अपने डॉक्टर से चर्चा करने के बाद में आप डिसाइड करते हैं कि आपको माइल्ड है, ज़्यादा कुछ नहीं है और डॉक्टर कहते हैं कि आपको बगैर टेस्ट के ऐसा करना है तो आपने ये कर लेना है। इस तरीके से आप एक केस स्टडी है जो पाई गई है। दूसरी केस स्टडी ये कहती है कि अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तो मान लीजिए आपने RT-PCR कर लिया, RT-PCR इज़ द ओनली वे आउट, क्योंकि आप जब क्विक एंटीजन या रैपिड एंटीजन करने की कोशिश करते हैं तो उसमें सही और गलत बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन जब RT-PCR करते हैं तब भी आपके टेस्ट 70% सही होते हैं। इसका मतलब यह है कि 10 पेशेंट में से 7 पेशेंट, 6 से 7 पेशेंट हो सकता है उनके लिए RT-PCR सही साबित हो अगर पॉजिटिव हो तो। मान लो अगर वो 3 पेशेंट 10 में से जिनका RT-PCR नेगेटिव आया, इसका मतलब गारंटी नहीं है कि वो नेगेटिव है, ये भी एक सरप्राइज है। इसीलिए जब आपको मालूम पड़े कि आपके पास सिम्टम्स है,
आइसोलेट कीजिए अपने आप को और तुरंत अगर बुखार है तो पैरासिटामोल लीजिए, वरना आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। इम्यूनिटी के लिए आप विटामिन सी का प्रयोग कर सकते हैं विद जिंक और मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल ले सकते हैं, ताकि आपकी इम्यूनिटी जो है, जो सर्दी बुखार या खांसी हो रही है और हल्का फुल्का जो बदन दर्द है, ये आपकी इम्यूनिटी फाइट कर रही है, इसलिए आपको वो सिम्टम्स हैं। तो इम्यूनिटी को अपनी लड़ाई लड़ने दीजिए, आप उसमें और कोई दवाई मिक्स मत कीजिएगा। और मान लीजिए आपका यदि कोविड टेस्ट होता है तो आपको सबसे पहले तो पैरासिटामोल लेना होगा। सेकेंड लाइन जो ट्रीटमेंट कहते हैं उसमें एंटीबायोटिक्स ऐड करते हैं डॉक्टर। आप ज़्यादा कंसर्न हो रहे हैं, आपको डॉक्टर को कुछ और ऐड ऑन करना है। कई सारे पेशेंट हैं जो अपने ही डॉक्टर को सजेशंस मांगते हैं ज़बरदस्ती, जबकि होना ये चाहिए कि आपने अपने डॉक्टर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है स्टीरॉयड, लेकिन पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक और स्टीरॉयड, ये तीनों ही आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। इसका मतलब यह है कि आपने बाहर की इम्यूनिटी पे ज्यादा भरोसा किया अपनी इम्यूनिटी के अगेंस्ट में। ये आप ध्यान में रखिएगा, अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरे ख्याल से आप अपने आप को सीवियरिटी की तरफ लेके जाते हैं। बॉडी को, इम्यून सिस्टम को, अपने डिफेंस मैकेनिज्म को अपना काम करने दीजिए। और मान लीजिए रेमडेसिविर जो इंजेक्शन, जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, जो ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है या फिर मिल नहीं रहा है, तो ये WHO भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आ गया है। तो इन दोनों विषय में मैं आपको बता दूं कि आप 94% में आएंगे, और यदि आपने डॉक्टर की बात मानी तो आप सेफली 14 दिन देखकर कोरोना से ऊपर, इस पर हावी होकर, इसे मात देकर बाहर आ सकते हैं। लेकिन CRP और डी डाइमर ये जो टेस्ट होते हैं, और CBC काउंट या ब्लड टेस्ट की जाते हैं, SGBT, SGOT ये सब कराए जा रहे हैं, ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप पैनिक होते हैं, आप अपने डॉक्टर को फोर्स करते हैं कि क्या मैं सीवियर की तरफ जा रहा हूँ, सीवियरिटी की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरे से बाकी सब चीज़ भी करा लीजिए, मैं पैसा कहीं से भी ला लूँगा, आप चिंता मत कीजिए, मुझे बचाइए। ये पैनिक बटन आप ऑन करते हैं, और आपका डॉक्टर आपके लिए भला सोचकर वो वही करना चाहता है, क्योंकि वो भी हेल्पलेस है, क्योंकि आप जब पैनिक हो रहे हैं तो आपका डॉक्टर भी पैनिक हो रहा है। अगर आपने अपने आप को सौंप दिया डॉक्टर को, तो मैं मान लीजिए ये बात उतनी ही सच है कि वो आपका ख्याल करेगा और आपको कोविड से बचा के लाएगा। 94% केसेस पॉजिटिव अगर अच्छे होकर आ रहे हैं, तो बाकी 6% को भी वो अच्छा करेंगे। आपने सिर्फ अपने आप को स्वयं सौंपना है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ ये वो है कि 6% जो हो रहे हैं ये 94% से ही आ रहे हैं। पैनिक बटन दबा दो तो आप 94% में नहीं, आप 6% में आएंगे। इसीलिए हॉस्पिटल के बेड ज़्यादातर ओवर फ्लडेड हैं, उनको उनका काम करने दीजिए। मैंने देखा है स्वयं, मेरे घर में मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे घर के अंदर ही, मेरे परिवार में ही इतने सारे लोग, मेरी सासू माँ जिनका एज 80 है, वो खुद लड़के घर में ट्रीटमेंट लेकर वापस आ रही हैं, ठीक हो रही हैं। हर एज कि मैंने पेशेंट देखे हैं जो ठीक होके आ रहे हैं। अगर स्ट्रेस नहीं लिया तो, अगर एंजाइटी नहीं लिया तो, अगर इन्फॉर्म्ड है तो, ये वीडियो सिर्फ इसीलिए कि मैं आप तक ये बात पहुंचा दूं कि आप वेल इन्फॉर्म्ड रहेंगे तो आप कभी भी एंजाइटी अंदर नहीं आने देंगे और आप 94% में ही रहेंगे। सीवियरिटी बढ़ती है, डॉक्टर से बात करते रहें और उनकी सलाह आप तभी लीजिए, उन्हीं के, अगर आपने सलाह ली है तो उन पर विश्वास कीजिए और वैसे ही चलिए। देखिए एक बात तो तय है, जिनका वैक्सीनेशन लगा है वो पक्का है फेटलिटीज़ की तरफ नहीं जाएंगे, यानी वो, उनकी इम्यून सिस्टम ज़्यादा अच्छा होगा, उनका वो लेस अफेक्टेड रहेंगे, वो कम से कम मरेंगे तो नहीं। लेकिन जो वैक्सीनेशन से दूर है, अभी भी सोच रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो स्पेशल चित्रित करता है कि आपको, अगर अब आप नहीं समझेंगे ये बात, तो शायद फिर आपके लिए ये कहानी अंत की तरफ जा रही है। मेरा इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड करने का सिर्फ एक ही क्रमश सार है, और वो है कि आप सब, मैं आप सब से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि ऐसे चलिए, प्लीज़ पैनिक बटन मत दबाइए। जितनी जानकारी ले सकते थे आपने लिया है, अब डॉक्टर को अपना काम करने दीजिए, क्योंकि वो पिछले एक साल से जुड़े हैं और भिड़े हैं, लड़ रहे हैं। आपकी लड़ाई आप तक है, अगर आप कोविड के शिकार हैं, या आपके परिवार तक, लेकिन उनकी लड़ाई सैकड़ों पेशेंट तक है। बात मानिए, और यदि ये अच्छा लगे वीडियो तो सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो शायद बहुत लोग को जागरूकता देगा, डर कम देगा और कोविड से जल्द जीतने में मदद करेगा।